Hello viewers, welcome to my channel. I am back again with my new topic, how to express habit in present and past tense. But before starting the video, please channel ko subscribe karein taki aapko mere aane wale har interesting video ke bare mein turant jankari milti rahe. So let's start with how to express habit in present and past tense. Present tense में used to का use किया जाता है और past tense में used to का ताकि हम अपनी आदत को show कर सकें. Example, this is example of present tense. रजत अक्सर मेरे घर आया करता है. करता है यहाँ पे आदत को show कर रहा है. अगर present simple tense में हम चलते तो हम कहते रजत अक्सर मेरे घर आता है. लेकिन तब आदत show नहीं होती, ये simple past tense, simple present tense बन जाता. लेकिन आया करता है ये आदत को शो करने वाला sentence है. यहाँ हम used to लगाएंगे present tense के लिए. रजत used to come to my house often. Often अक्सर के लिए लगाया गया है. इसी sentence को हम past में लेके जा रहे हैं. रजत अक्सर मेरे घर आया करता था. करता था habit को शो कर रहा है. अगर हम simple past tense में जाते तो हम कहते रजत मेरे घर आया, तब पास्ट सिंपल टेंस होता. बट पास्ट सिंपल में हैबिट शो हो रही है कि आया करता था. यहाँ हैबिट शो करने के लिए हम यूज टू लगाएंगे. रजत यूज टू कम टू माय हाउस ऑफन. नेक्स्ट एग्जांपल इज वह स्कूल अक्सर देर से आया करती थी. करती थी पास्ट टेंस में हैबिट शो हो रही है. शी ऑफन यूज टू कम लेट टू स्कूल. And these are the sentences for your practice. तुम अपने बचपन में बच्चों को पीटा करते थे. You used to beat. You used to beat the children in your childhood. हम इस मैदान में खेला करते थे. We used to play. ये सब sentences past tense में हैं. We used to play in this field. बीरबल हर सवाल का जवाब आसानी से दे दिया करते थे. बीरबल used to give answer of every question easily. तो फ्रेंड्स, आपने ये समझ लिया होगा. और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें. प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो